राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का, सुबह के बज रहे हैं 8। मैं किचन में आ गई हूँ और मैं फटाफट अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में बन रहा है आज निनुआ की सब्जी। निनुआ कुछ नाम और भी है, मैंने जानती क्या नाम है। और यहाँ मैं बड़ियों को फ्राई कर रही हूँ। उड़द दाल की बड़ियाँ हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं सब्जियों में। तिनको फ्राई करके निकाल लेते हैं। और ये देखिए, इधर मैं जीरे और राई का छौंक लगा देती हूँ। राई और जीरे का, इनको हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। और उसके बाद ये मिर्चा अदरक भी रखा हुआ है ग्राइंड करके, ये भी डाल देते हैं। थोड़ा देर इनको 1-2 मिनट तक ब्राउन करते हैं। और इसके बाद ये देखिए, ये प्याज रखा हुआ खूब ढेर सारा, प्याज को भी डाल देते हैं। और प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सब्जियों का कलर इस प्याज से ही आता है। जितनी अच्छी प्याज हमारे ब्राउन होंगे सब्जियों में, उतनी अच्छी बन के तैयार होती है। मतलब प्याज बिल्कुल कच्चापन नहीं होना चाहिए, प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन होना ही चाहिए। झटपट बन जाए सब्जी, इसमें कोई तामझाम तो है नहीं, काफ़ी अच्छी सब्जी लगती है। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ दूसरी सब्जी की, यानी मैं प्याज और टमाटर की सब्जी एक बनाऊंगी, जो मेरे आदित्य की फेवरेट सब्जी है। आप उसको रोज़ देंगे खाने की, तभी वो मना नहीं करता है। उसको सब्जी इतनी अच्छी लगती है, बहुत बहुत पसंद है उसको ये सब्जी, प्याज और टमाटर की। वो बिल्कुल सिंपल है, तो मुझे बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चा किसी बहाने से कुछ खा ले, आप जानते हैं मैं क्या, हर माँ की एक कोशिश रहती है। और टाइम टाइम पर हम सब्जी को चेक भी कर रहे हैं कि प्याज कितने ब्राउन हुए, कितने नहीं हुए हैं। और दूसरा, मैं इधर प्याज को भी कट कर रही हूँ दूसरी सब्जी के लिए। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक मेरे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, एकदम लालिमा लालीपन आ गया है इस प्याज के अंदर। और ये देखिए, निनुआ को मैंने ही पहले कट करके धो के रख लिया था। हमेशा इसे फ्रेंड, आप पहले निनुआ को धुल के तब कट किया करिए। कभी भी काट कर आप धोएंगे तो काफ़ी पानी छोड़ देगा। तो मैं हमेशा से ही पहले निनुआ को छिलती हूँ, फिर धुलती हूँ, फिर काटती हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए, सब्जी में बन रही है। और दूसरी तरफ मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। सबसे पहले रोटी गाय की बनती है, तो गाय की रोटी बना लेते हैं। सकते हैं फ्रेंड, सब्जी हमारी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। देखिए, सब्जी में बिल्कुल भी पानी नहीं डलता है, ये सब्जी भाप भाप में ही पक जाती है और झटपट बन जाने सब्जी है। सब्जी में कोई तामझाम भी नहीं है, मुझे बहुत पसंद, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी सब्जी है, ना ही कोई मसाले, ना ही कुछ भी। और देखिए, उसी कढ़ाई में मैं अब बना रही हूँ प्याज और टमाटर की सब्जी, जो मैं आदित्य की फेवरेट सब्जी है। ये देखिए, जीरे का मैंने छौंक लगा दिया, थोड़ी हल्दी डाल दी और मसाले को भी इसमें डाल दिए हैं। और फिर तुरंत ही मैंने इसे प्याज डाल दिया, मसाले में जल जाते, तो तुरंत ही मैंने इसे प्याज भी डाल दिया। और प्याज को ब्राउन होने तक पका लेना है। तो यहाँ प्याज ब्राउन हो रहे हैं और इसी में डाल देते हैं हम कसूरी मेथी। आप देख सकते हैं, मसाले को मैंने पहले ही डाल दिया था, तो अब कसूरी मेथी डाल देते हैं और इनको भी थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं। अब ये प्याज भी अच्छे से ब्राउन नहीं हुए हैं, टमाटर हम ऐड नहीं करेंगे। जब तक प्याज ब्राउन नहीं जाएंगे, तब तक टमाटर इसमें ऐड नहीं होंगे। ये देखिए, मैं बीच में चेक कर रही थी, प्याज हो गए हैं ब्राउन। अब इसमें टमाटर भी डाल देते हैं और इनको ढक देते हैं।
ये अपने ही धीमी धीमी आंच में बनके तैयार हो जाएंगे। पानी की इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब्ज़ी फ्रेंड्स बहुत बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा इसमें आप ऊपर देसी घी ऐड कर दीजिए तो एकदम गजब का स्वाद लगता है। और लोहे की कढ़ाई में सब्जी, कोई भी सब्जी, बहुत ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है, देख सकते हैं। और मुझे एक सब्जी भी और बनानी है, भिंडी की कलौजी, मतलब भरवा भिंडी जिसको बोलते हैं, थोड़ी सी वो हर्ष के बनेगी। पापा बताएंगे खाना खा करके कि कैसा बना है। कैसा बना है? ये मिठाई आप कल रात में बनाए थे ना, है ना? बोलिए भाई, अच्छा बना है ना सब्जी? अभी आप ऐसे ही खाना खाने लगे, अभी दो सब्जी और बन रहा है, वो टिफिन पैक करवा देंगे ना। बहुत लेट हो रहा है, 10:30 बज गया। हाँ जल्दी जल्दी लंच फिनिश करो फिर जाओ। आज जल्दी लेट हो भी गया तुम्हें ज्यादा। हाँ सुबह के टाइम सिंपल, इतनी जल्दी भी करो अपने लिए हो नहीं पाता है। नहीं सुपर ना सिंपल से खाते हम, सिंपल खाना बनाया करो। नहीं सर्दी को तो हो नहीं पाता है, सुबह देर तक, रात को देर तक जागते रहो, फिर सुबह देर से आग खुलता है, हो ही नहीं पाता है। ओ हो हो हो, न्यू न्यू सूट, तो रोशनी में चलो तो अच्छा भी लगेगा देखने में, यहाँ पे एकदम अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। पीछे जाओ देखिए, तुम्हारे कवर सबको दिखा दे कैसा लग रहा है। तो जो हमने शॉपिंग की थी, जो हमने शॉपिंग की थी उसमें से ही कुर्ती ये भी है जो मुझे बहुत ज्यादा फेवरेट लगी थी। कैसी लग रही है? कैसी लग रही है आप जरूर बताइएगा। और इसे हमने सोचा कि स्टिच करवाना पड़ेगा, बट थोड़ा सा अभी करवाना पड़ा, एकदम फिटिंग की कुर्ती है। थोड़ी सी धुलेगी तो और बढ़ेगी ना, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी है, हल्की तो हल्की सी, बाप से न कराए और चढ़ जाता है। आप कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके। और टाइम हो गया है शॉप पे जाने का, तो मैं चलती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम सब शॉप जा रहे हैं। आदित्य है, मैं हूँ और आदित्य के पापा हैं। हम सब तीन एक ही गाड़ी पर बैठ के रोज ऐसे ही शॉप जाते रहते हैं। आपने कई बार देखा है मुझे। और ये सूट का कलर वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, धूप की रोशनी में तो और ही रंग खिल के इसका आ रहा है। कुछ जितना आसान लगता है कि बस घर पे है, खाना बिना बनाए और दुकान चले गए, उतना आसान होता नहीं है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल होती जा रही है। क्योंकि रात में 10 बज रहा है मुझे घर पहुँचते पहुँचते, और उसके बाद फिर घर पे आओ तो घर पे भी एकदम थका हुआ रहते, थके हुए हम सब रहते हैं। और उसका फिर को खाना पीना दो और लेट नाइट तक फिर वीडियो एडिटिंग अपलोडिंग में बहुत टाइम लग जाता है, मैं एकदम थक जाती हूँ। रात में 1 से 1.5 कैसे बजे तक नहीं चलता और फिर सुबह आँख नहीं खुलती। दो तरफा ज़िंदगी हो गई है, पर क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। और मैं इधर आपको अपनी शॉप दिखा रही थी, तो बस घड़ी में 7 बज गए हैं और शॉप बंद होने का समय हो चुका है। ये देखिए शॉप बंद हो गया और मैं भी निकल गई इनके साथ। घड़ी में 9:15 बज रहे हैं जो मैं अभी निकली हुई हूँ। और मैं गलियाँ दिखा रही थी,
मैं घर वापस आ चुकी हूँ। रात के बज रहे हैं 9:45, काफी लेट हो गया है। तो चलते हैं, अब खाना पीना खाते हैं। और क्या बना तुम्हें आज? दाल चावल बना हुआ है। गाइस मम्मी तो आ चुकी हैं और चलिए उनके लिए खाना निकाल देते हैं फटाफट से। तो बताई ही आपको कि हम रात में ज्यादा सिंपल ही खाना पसंद करते हैं, दिन में कुछ भी बने बट रात में तो सिंपल खाना होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस तभी होगा, वरना ज्यादा डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो इसलिए रात में अगर एक टाइम आप ज्यादा हैवी खाना खाते हो तो उसे आप कोशिश करें कि शाम को आप बहुत ज्यादा सिंपल खाना खाओ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ज्यादा सिंपल खाना बने। तो बनाया दाल और चावल और अचार, ये है। और अचार भी तो चटनी मम्मी खाएंगी, उनके भी नहीं निकालते हैं। और चलिए फटाफट से मम्मी का प्लेट लगा लेते हैं। ये मम्मी का लंच लग चुका है और आइए आप भी खाना खा लीजिए। तो चलिए मॉम को भी खाना खिला देते हैं और आइए आप भी सब भी खा लीजिए, लहसुन का अचार, राइस एंड दाल। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब के लिए बाय, गुड नाइट। और आपकी ब्लॉगर बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी है इसलिए उन्हें वो वीडियो एंड नहीं किया है, तो माइंड मत करना गाइस, आज हम एंड करते हैं। तो बाय, गुड नाइट।